हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। जैसा कि कस्तूरबा विद्यालय से वैकेंसी लगातार आ ही रही है, पिछला वीडियो आप देखिएगा लखीमपुर खीरी से जो वैकेंसी आई है, तो डिटेल में मैंने आप लोगों को बताया है कैसे अप्लाई करना है। बहुत सारे स्टूडेंट ने आवेदन करना स्टार्ट कर भी दिया है। अब एक और नई वैकेंसी का विज्ञापन जारी हुआ है, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सोनभद्र से वैकेंसी है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत कस्तूरबा विद्यालय में यह वैकेंसी है। सरकारी आवासीय विद्यालय है ये, कोई परीक्षा नहीं होगी आपकी, ना ही कोई इंटरव्यू रहेगा। यहाँ पर सिलेक्शन केवल और केवल आप लोगों की क्वालिफिकेशन में जितने मार्क्स हैं उसके आधार पर रहेगा। 1 दिसंबर को ये वैकेंसी जो है जारी की गई है सोनभद्र से। तो चलिए मेन वेबसाइट पर सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ वैकेंसी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसे ही मेन वेबसाइट पर आते हैं जिला सोनभद्र की, तो यहाँ रिक्रूटमेंट में आप लोगों को सबसे ऊपर जो है विज्ञप्ति जो कि 2 दिसंबर 2023 यहाँ पब्लिश की गई है मेन वेबसाइट पर, और 1 दिसंबर को हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में आ चुकी थी। ठीक है, तो पहले जो है ये न्यूज़पेपर में डाल देते हैं, उसके बाद मेन वेबसाइट पर आता है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को यही चीज़ समझाई थी कि मेन वेबसाइट पर अगर नहीं आता है तो मैं आप लोगों को चैनल के माध्यम से बताती हूँ, तो उसे जो है आप देखें और एप्लीकेशन फॉर्मेट कहाँ से मिलेगा ये सारी चीज़ें समझें। तो यहाँ पर भी हम सारी चीज़ें डिटेल में देखने वाले हैं। 20 दिसंबर 2023 लास्ट डेट रहेगी, और चलिए इसको ओपन करके देख लेते हैं जहाँ से हमें सारी चीज़ें पता लगेंगी कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो ये जो है पूरा विज्ञापन है जिसको बहुत अच्छे तरीके से देखना है। स्टार्टिंग में पूरा विज्ञापन आप पढ़ेंगे, अप्लाई कैसे करना है ये भी चीज़ें इसमें मेंशन की है, सिलेक्शन कैसे होगा ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है, और लास्ट में आप लोगों को मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्मेट। आप सभी जानते हैं पहले संविदा के आधार पर ही होती है, जो कि हर वीडियो में मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ, और उसके बाद जो है आप लोग यहाँ पर आपकी जो पोस्ट है उसको आगे बढ़ाते हुए जाते हैं, यानी कई सालों से यहाँ टीचर्स अभी भी जो है काम कर रहे हैं। ठीक है, इस वैकेंसी के लिए जो है हर स्टेट के स्टूडेंट अगर एलिजिबल हैं तो बिल्कुल यहाँ आवेदन कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के देखिए सिलेक्शन हो रहे हैं कस्तूरबा विद्यालय में। यहाँ केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकती है, और पुरुष अभ्यर्थी के लिए एक और नई वैकेंसी आई है आवासीय विद्यालय की, जिसके लिए आप वीडियो का वेट करें, विज्ञापन आ चुका है। तो चलिए इसे देख लेते हैं। यहाँ केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकती है। किसकी वैकेंसी है यहाँ पर, किस सब्जेक्ट की? तो यहाँ पूर्णकालिक शिक्षिका, पूर्णकालिक शिक्षिका यानी कि वेतन के साथ में आपको यहाँ आवास भोजन की सुविधा मिलती है। ठीक है, तो गणित की वैकेंसी है, हिंदी की है, विज्ञान की है। अंशकालिक शिक्षिका में पार्ट टाइम जो टीचर्स हैं उनको यहाँ पर केवल अपना जो है टाइम देकर जितना टाइम के लिए इनको रखा जाएगा और उसके बाद अपने घर जा सकते हैं। तो कला, क्राफ्ट, संगीत और गृह शिल्प की है। अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर टीचर की है, और अंशकालिक शिक्षिका के लिए केवल 9800 रुपये यहाँ आपको पर मंथ दिए जाएंगे। सहायक रसोईया, चौकीदार, चपरासी के लिए यहाँ पर अलग अलग सैलरी है, 5175, 5750। ये सभी महिलाएं ही रहेंगी, 8th पास चाहिए। पूर्णकालिक शिक्षिका के लिए यहाँ पर 22,000 सैलरी पर मंथ दी जाएगी। आप लोगों के पास जो है ग्रेजुएशन होनी चाहिए, सब्जेक्ट में बीएड होना चाहिए, और किसी भी राज्य का टेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, एस टेट क्वालिफाई होना चाहिए, या आपने सी टेट भी किया हुआ है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। यहाँ पर पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए, 6th to 8th क्लास का। ठीक है, चाहे आप मैथ के लिए, हिंदी के लिए या साइंस के लिए अप्लाई करना चाहें। अभी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि केवल एक ही वैकेंसी है तो यहाँ पर जो है कोई फायदा नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि काफ़ी वैकेंसी निकल चुकी हैं, हर राज्य की निकलती हैं, तो आप लोगों को अप्लाई बिल्कुल करना चाहिए। कोई भी यहाँ फीस नहीं लग रही है, ना ही कोई ऐसा झंझट है कि जिनको ऑनलाइन आवेदन नहीं करना आता है, तो यहाँ पर ऐसा भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को आवेदन पत्र को डाउनलोड करना है, फिल करना है और बाय पोस्ट आपको भेजना है, इतना ही आपको करना है। कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई भी जो है यहाँ पर परीक्षा नहीं है। उम्र जो है यहाँ पर 25 से लेकर 45 वर्ष होनी चाहिए, और यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि उक्त पदों की संख्या जो है वो घट बढ़ सकती है। तो जितनी भी वैकेंसी है, चाहे 12 है, 8 है वैकेंसी, आप लोग आवेदन जरूर करें, आपका नंबर जो है वो इसमें आ जाएगा और सिलेक्शन हो जाएगा। तो यदि आप लोगों का यहाँ पर सब्जेक्ट है तो आप लोग एड्रेस जो है नोट कर लें, या मेन वेबसाइट पर भी आप जाकर देखेंगे तो खुद भी जो है देख सकते हैं। जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा, ब्रह्म बाबा की गली, रावर्सगंज, सोनभद्र। कहाँ है ये? उत्तर प्रदेश में है। पिन नंबर है 231216।
तो जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को यहाँ रेजिडेंशियल जो फैसिलिटी है वो भी दी जा रही है, फूड फैसिलिटी भी जो है मिल रही है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि दूर है तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर दी जा रही हैं। ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट है तो बिल्कुल एड्रेस को जो है नोट कर लें, और किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं ये जरूर लिखिएगा। नीचे दोबारा से जो है इन्होंने दे दिया है। अब देखिए यहाँ पर चयन कैसे होगा, तो यहाँ लिखा है पूर्णकालिक शिक्षिका अंशकालिक शिक्षिका के पदों पर चयन जो है वो मेरिट के आधार पर होगा। यहाँ पर जो है इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है हाई स्कूल के आपके मार्क्स, इंटरमीडिएट के, स्नातक के और आपके बीएड के, ठीक है, ये आपके होंगे 10, 10, 20 और 30 मार्क्स। उसके बाद जो है लास्ट में देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 1 साल आप काम कर लेते हैं उसके बाद आपकी पोस्ट को रिन्यू कर दिया जाता है, आपको हटाया नहीं जाता है। यहाँ देखिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्यरत अनुभव, केवल कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के ऐसे शिक्षक शिक्षिका जो शैक्षिक सत्र 2020-21 में नवीन संविदा से वंचित हुए हों, यानी पहले से ही जो है वो काम कर रहे थे, उनको भी कहा जा रहा है कि आप दोबारा से फॉर्म आप भी भर लें, ठीक है, ताकि आपके जो काम है उसको आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है, और आपको यहाँ पर अनुभव जो मिलता है उसके आधार पर आगे हर साल जो है आपकी जो पोस्ट है उसको आगे बढ़ाते हुए जाते हैं, ऐसा नहीं हटाते हैं। यदि आप ही खुद हटना चाहें तो वो बात तो अलग है, जैसे कि आपका सिलेक्शन और भी कहीं गवर्नमेंट जॉब है अच्छी सैलरी पे, जहाँ पर आपको 22,000 से अधिक सैलरी मिल रही है, तो आप खुद ही छोड़ देते हैं। उसके बाद सहायक रसोईया का पद जो है पूर्णकालिक होगा, इनके लिए महिला ही होगा, विद्यालय में निवास अनिवार्य है, ये चीजें जो है लिखी गई हैं। और भी चीजें आप देख लें, यहाँ पर आप लोगों की आवेदन पत्र के लिए कोई फीस नहीं लग रही है। बाकी यहाँ पर आपके देखिए आवेदन के साथ स्वयं का पत्राचार का लिखा 2 लिफाफे, जिसमें प्रत्येक पर 35 रुपए का डाक टिकट लगा हो, संलग्न करना अनिवार्य है। तो इतना तो आपका जो है 35 रुपए ही जो है आपके यहाँ लगेंगे, ज्यादा आपका खर्च नहीं है। बाकी जो है जितने भी आरक्षित वर्ग हैं उनको राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है आरक्षण दे होगा। समस्त पदों पर महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगे, ठीक है। अब एक चीज जो है ध्यान में रखिए, जैसे कि आप ये कहेंगे कि मैम ने कहा ना तो रिटर्न एग्जाम होगा ना ही इंटरव्यू होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि आवेदन पत्र की संख्या ज्यादा हो जाती है, और जब स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है इक्वल रहते हैं, समान रहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो है वो साक्षात्कार ये करवा सकते हैं, ठीक है, कंपलसरी नहीं है, करवा सकते हैं। तो इसके लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा, ये यहाँ पर लिखी गई है। और बहुत सारे कस्तूरबा विद्यालय ऐसे भी होते हैं जहाँ यात्रा भत्ता जो है वो दिया भी जाता है, बट यहाँ पर नहीं दिया जाएगा ऐसा लिखा है। तो मैंने आप लोगों को बिल्कुल सही जानकारी जो है प्रोवाइड करवा दी है। आप लोगों को मेन वेबसाइट पर आना है, जिला सोनभद्र उत्तर प्रदेश सरकार, और इसकी मेन वेबसाइट पर आप लोग नीचे आएंगे, यहाँ पर आप लोगों को देखिए सबसे ऊपर व्हाट्स न्यू में ही नजर आ जाएगा ऑफिस डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन ऑफिसर सोनभद्र। यहाँ पर आप देखेंगे विज्ञप्ति है, ये स्टार्टिंग डेट 2 दिसंबर 2023, एंडिंग डेट 20 दिसंबर 2023। व्यू पर यहाँ पर देखिए डाउनलोड का निशान है और आपको इस पर क्लिक करना है और आपके सामने पूरा ये आ जाएगा, ठीक है, और इसी को डाउनलोड कर लें। कई बार क्या होता है कि एप्लीकेशन फॉर्मेट जो है मेन वेबसाइट पर नहीं दिया जाता है, न्यूज़पेपर में पब्लिश हो जाता है पहले, बट थोड़ा सा या तो वेट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर वीडियो जो है आने का वेट करें कि आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्मेट कहाँ से मिलेगा। तो सारी जानकारी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।